क्या नाम है आपका? एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा पीछे रहोगे तो कहाँ से आने वाले? थैंक यू। कब लगवाया था? 2000। किससे लगवाया था? आर्मी फोर्स। आर्मी किसने लगवाया था? ये टाउन कमांडर सर। सर नाम नोट करो, ठीक है? वी कैन ऑर्गेनाइज फ्रॉम जयपुर फुट। जो आज का भी जो बच्चा है वो आपसे समझना चाहिए, तो समझ में आना चाहिए बेटा। अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो रास्ता कहीं और है, और अगर सही रास्ते पे चलोगे तभी भी वो बच्चे देखोगे और वो बच्चों के बच्चे देखोगे। आपने आपने पीछे बच्चे और बच्चों के बच्चे भी हैं, आप दादा भी हो। अरे ये बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। ये चीज़ आपको आपको तो अच्छा हो गया मगर आपने पाते हो। और जब मैं थोड़ा जवान था नकली रोजा अच्छा करता था, तो आप लोगों से क्या मांगते हो? रोजी के वर्क। आप ये देखो कि अभी मैं ये दो तीन सरेंडर टेररिस्ट से मिला हूँ, उनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, कईयों को कोई आदमी दादा है, और वो ये समझता है कि मैं गलत रास्ते में था इसके मैंने सरेंडर करा। तो आपको एक मेन स्ट्रीम के अंदर आना, जॉब पुलिस थाने के अंदर बताओ कि मुझसे गलती हो गई है, कोई मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा था, एंड गेट इन टू द नॉर्मल दिस। बट ये कहना कि पॉलिसी है, ऑफर है, आई थिंक द बेस्ट ऑफर इज़ टू लिव लाइफ एज अ गुड और अच्छे से अच्छे हो। यहाँ के वो पीछे मीडिया वाले जो आजकल कभी हंसते नहीं थे, स्माइल नहीं करते थे, वो भी आजकल स्माइल करने लगे, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। सुपौल के अंदर आज ये टावर क्लॉक के क्लॉक टावर के इलाके में मैं आया हूँ, ये देखना चाहता था। यहाँ पे कुछ बाशिंदे हैं जो हमारे सरेंडर टेररिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहता था, इनको मैं पहले से जानता हूँ, तो मैं एक बार आकर के जस्ट वॉन्ट टू मीट देम। सर जो आगे को बढ़ना नहीं चाहता है, जिसका कुछ करप्शन है दिमाग के अंदर, ऐसे लोग थोड़ा सा समय निकलेगा सर, उस उनको रास्ते पे। सर यूथ के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? माइंड हैप्पीनेस सर। सर व्हाट अबाउट कश्मीर फाइल सर? व्हाट अबाउट कश्मीर फाइल इज अ मूवी मेड बाय हाईलाइट अ प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट? आई थिंक इट वाज क्वाइट फॉर सम टाइम, इट इज कम आउट। जब ये ऐसी चीजें बाहर आती हैं तो क्या होता है, एक क्लोजर मिलता है। तो आप उसको कोई पॉलिटिकल देखना चाहेगा, कोई उसको डिवाइड पे देखना चाहेगा, हर किस्म के तबके के लोग उस चीज़ को अलग अलग किस्म से बुनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि कितने कश्मीरी जो बहादुर सिपाही हैं, मुसलमान हैं, यहाँ पे वो भी मारे गए हैं, उनकी भी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना चाहिए। मतलब ये चीज़ जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करेगी कि एक टेररिस्ट ने कश्मीरी को मारा है, वो भले ही किसी रिलीजन का हो, हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो, तब तक ये जो चेंज है वो होगा नहीं।